धर्म देश नेपाल के निवासियों, शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए, सभी सुख शांति चाहते हैं। सही माने में शांति और सुख धर्म से प्राप्त होता है, और ये धर्म का देश, शांति का देश, यहां के निवासियों को तो शांति और सुख मिलना ही चाहिए। नेपाल सचमुच धर्म का देश है। नए कहते हैं नैतिकता के नियमों को, धर्म के नियमों को नए कहते हैं। जो नए का पालन करने वाले हैं वो नेपाली कहलाते हैं, जो नए का वर्णन करने वाले हैं उसे धारण करने वाले हैं वो नेवारी कहलाते हैं। जिन नेपालियों का देश, नेवारियों का देश, धर्म का देश, इसी देश के एक सपूत ने धर्म का शुद्ध रूप, ऐसा शुद्ध रूप दिया जिससे इतना बड़ा लोक कल्याण हुआ, आज भी हो रहा है। ये नेपाल का सौभाग्य है। नेपाल की इस पावन धरती पर केवल एक ही बुद्ध नहीं जन्मे, इस धरती पर तीन तीन बुद्ध जन्मे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले कक्रुसंज और कोणागमन बुद्ध भी इसी धरती पर जन्मे। इसीलिए ये धर्म की धरती है, और ये ऊंचा हिमालय धर्म का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। न जाने कितने सदियों से, कितने ऋषि, कितने मुनि, कितने बोधिसत्व, कितने बुद्ध, कितने संत, कितने अरहंत इस हिमालय पर तपे, ये पावन धरती को और अधिक पावन किया। जिस धरती पर बुद्ध जन्मता है वह नैतिकता के नियम सिखाता है, लोगों को नए पालक बनाता है। क्या नैतिकता के नियम होते हैं? धर्म के नियम, शील सदाचार के नियम, ये नियम तो सभी ज्ञानी पुरुष सिखाते हैं, लेकिन बुद्ध होता है तो उसकी एक महानता होती है, उसकी एक विशेषता होती है
वह इस शील और सदाचार के धर्म को इन गहराइयों से सिखाता है। इन गहराइयों से सिखाता है, आश्चर्यजनक गहराइयों से। ये तो सामान्य बात है, सब समझते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज के लोगों के साथ रहना है, परिवार के लोगों के साथ रहना है। कोई घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाए, भिक्षु हो जाए, तो भी समाज से उसका संपर्क बना रहता है। तो समाज के साथ रहने वाले व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? कोई ऐसा काम नहीं करे, शरीर से या वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे समाज के अन्य लोगों की सुख शांति भंग होती हो।